वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2008 में आई मूवी 7 पाउंड्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक हर्ट टचिंग मूवी है और इसके लीड रोल में है विल स्मिथ। मूवी की शुरुआत में हमें एक गजब का बीच हाउस दिखाया जाता है, जो कि बेन थॉमस नाम के आदमी का है। बेन थॉमस एक IRS फील्ड एजेंट है। इसके बाद बेन थॉमस एजरा नाम के एक सेल्समैन को कॉल लगाता है और कुछ इंक्वायरी करता है, मगर जब बेन को पता चलता है कि एजरा एक अंधा आदमी है तो वो एजरा का मजाक बनाने लगता है, मगर एजरा बिना झगड़े ही पोलाइटली फोन काट देता है। मगर फोन को काटने के बाद बेन को बहुत दुख होता है कि उसने अपनी भड़ास निकालने के लिए एक नॉर्मल सेल्समैन को इतना हर्ट किया। इसके बाद बेन 7 लोगों के नाम जोर जोर से लेने लगता है और हर एक नाम उसके दिल को बहुत चोट पहुंचा रहा है। इसके बाद हमें IRS डिपार्टमेंट का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां पर बेन एमिली रोजर नाम की लेडी की डिटेल्स चेक कर रहा होता है और फिर नेक्स्ट डे वो एमिली के घर पहुंच जाता है। मगर एमिली की नेबर बेन को बताती है कि एमिली घर पे नहीं है, वो हॉस्पिटल गई है। तो बेन उस लेडी को कुछ गार्डनिंग के कुछ ट्रिक्स बताकर यहाँ से निकल जाता है और सीधा एक हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पर एक लिफ्ट में बेन की मुलाकात एमिली से होती है, जो यहां पर अपना टेस्ट करवाने आई है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि बेन चोरी छुपे एमिली पर नजर रख रहा है। इसके बाद बेन अपने पुराने दिन के सपने देखने लगता है, जब उसकी सैरा नाम की फियांसे भी हुआ करती थी और ये लोग बहुत खुश रहते थे, खूब इंजॉय किया करते थे। मगर उसका ये अच्छा खासा ड्रीम एक फोन कॉल इंटरप्ट कर देता है और ये कॉल था बेन के भाई का, जो बेन का हालचाल पूछना चाहता है। इसके बाद बेन एक एल्डर केयर होम जाता है, जहां पर उसे बाहर एक मस्त सी कार दिखाई देती है। अंदर जाकर बेन अपने आप को बेन थॉमस IRS एजेंट इंट्रोड्यूस करता है। वो देखता है कि इस फैसिलिटी का इंचार्ज स्टीवर्ट नाम का एक आदमी है, जो कि एक बूढ़ी औरत से अच्छे से बात कर रहा है और उस बूढ़ी औरत को मनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपनी मेडिसिन ले ले। इसके बाद स्टीवर्ट और बेन उसके ऑफिस में बात करते हैं। स्टीवर्ट बोलता है कि इस जगह को रन करने का खर्चा पिछले साल से काफी कम हो गया है और सारा काम एकदम बढ़िया चल रहा है और ओल्ड एज पर्सन की देखरेख में कोई भी कसर नहीं है। मगर स्टीवर्ट कहता है कि बेन मेरा यकीन मानो, मेरा इलाज चल रहा है और मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है और मैं पैसों की बहुत तंगी में हूँ, क्या तुम प्लीज मेरे डेब्ट पेमेंट की डेडलाइन बढ़वा दोगे। मगर बेन को अंदाजा है कि स्टीवर्ट झूठ बोल रहा है, क्योंकि बाहर खड़ी गजब की कार स्टीवर्ट की ही है। अगर वो ऐसी लग्जरी कार अफोर्ड कर सकता है तो वो अपने डेब्ट को भी रिपे कर सकता है। इसके बाद बेन उस बूढ़ी औरत के बेडरूम जाता है और पूछता है कि इस जगह का इंचार्ज स्टीवर्ट किस तरह का आदमी है, क्योंकि मेरे एक डिसीजन की वजह से उसकी फाइनेंशियल हालत तेजी से बदल सकती है। तो ये बूढ़ी औरत एक पेपर पे लिख के बताती है कि स्टीवर्ट उसे जो दवाई देता है, इस दवाई से उसे चक्कर आते हैं और अगर मैं दवाई न खाऊं तो एज अ पनिशमेंट वो लोग मुझे नहलाते हुए नहीं है। और ये जानकर बेन की सनक जाती है, तो वो इस बूढ़ी औरत को बाथरूम की तरफ ले जाता है और स्टाफ से बोलता है कि इस बूढ़ी औरत को अभी के अभी नहलाओ। इसके बाद बेन स्टीवर्ट पर काफी भड़कते हुए बोलता है कि तुम एक धोखेबाज आदमी हो और तुम्हें डेब्ट रिपेमेंट में कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी और न ही तुम्हें वो गिफ्ट मिलेगा जो कि तुम मेरे सामने अच्छे आदमी बनकर लेना चाहते थे। इसके बाद बेन गोल्फ कोर्ट जाकर अपने एक दोस्त से मिलता है और उसे किसी डॉक्टर के बारे में पूछता है, मगर उसका दोस्त कहता है कि डॉक्टर का अभी तक कॉल नहीं आया है। तो बेन कहता है कि जो भी प्लान है उसे फॉलो करो, तुमने मुझे वादा जो किया था। इसके बाद बेन उस हॉस्पिटल जाता है जहां एमिली एडमिट है। बेन यहां पर अक्सर आता है और मरीजों की हालत चेक करता है और वैसे यहां पर एमिली भी मौजूद है। वो बेन को पहचान लेती है और फिर उसके पास आकर बोलती है कि मैंने तुम्हें लिफ्ट में देखा था, क्या तुम मुझ पे नजर रख रहे हो। तो बेन अपनी ID दिखाकर बोलता है कि असल में मैं एक IRS एजेंट हूं और मैं कल ऑडिट करने आया था और मुझे तुम्हारे खातों को ऑडिट करने का काम मिला है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर US गवर्नमेंट का लगभग $56,000 डेब्ट है। तो एमिली बोलती है कि मैं बस अभी भी डिस्चार्ज हुई हूँ और इस कर्जे के बारे में मैं बात करना नहीं चाहती। तो बेन नो प्रॉब्लम बोलकर यहाँ से निकल जाता है। तो गाइस, यहाँ हमें अब तक क्लियर हुआ है कि बेन थॉमस एक IRS एजेंट है, जो कि उन लोगों की बैंक अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट चेक करता है जिन्होंने गवर्नमेंट का पैसा टाइमली नहीं लौटाया है। और स्टीवर्ट, एमिली और मूवी की शुरुआत वाला वो ब्लाइंड सेल्समैन सभी बैंक के ऑडिट वाले टारगेट हैं। वैसे बैंक को मरीजों में काफी इंटरेस्ट है, स्पेशली ये जानने में कि ये मरीज अच्छे आदमी है या नहीं। इसके बाद बेन अपने घर जाने के बजाय एक मोटल रूम बुक करवाता है और वो भी 2 हफ्तों के लिए। अपने रूम पहुंचने के बाद बेन एक न्यूज़पेपर पढ़ता है जो कि एक कार क्रैश से रिलेटेड था जिसमें 7 लोग मारे गए। स्पेशल पार्ट, ये लोग वही हैं जिनके नाम मूवी की शुरुआत में बेन बहुत दुखी होकर ले रहा था, इंक्लूडिंग सैरा का भी। नेक्स्ट डे बेन एक हॉकी मैच देखने जाता है
जहाँ पर हॉकी कोच बच्चों को काफी इंकरेज कर रहा होता है, वहीं फिर हम देखते हैं कि एमिली डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट आई है, जहाँ हमें पता चलता है कि एमिली लोगों की शादी के कार्ड छपवाती है, ये उसका प्रोफेशन है। इसके बाद बेन एमिली के घर उसे मिलने आता है। ऑब्वियसली एमिली उससे बात करना नहीं चाहती, क्योंकि बेन पैसों की और उसके डेब्ट की बातें करेगा, मगर बेन एमिली के साथ साथ ही वॉक पे चल देता है, वो भी एमिली की अकाउंट बुक लिए हुए, मगर एमिली का डॉग ड्यूक बेन को दुखी कर लेता है। इसके बाद घर लौटने के बाद बेन एमिली से उसके सभी इनकम सोर्सेस के बारे में पूछता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि एमिली को हार्ट प्रॉब्लम है और उसकी हालत दिन रोज बिगड़ती जा रही है। तो बेन एमिली से बोलता है कि मुझे आपके अकाउंट्स फ्रीज करने होंगे, मगर तुम्हें इस सब में 6 महीने का टाइम मिल जाएगा जिसमें तुम अपना कर्जा चुका सकती हो। इसके बाद बेन उसे अपना विजिटिंग कार्ड देकर यहाँ से निकलने लगता है, मगर एमिली बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपने मुझ पे बहुत बड़ा फेवर किया है, मगर बेन सिर्फ स्माइल करके यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद बेन अपने रियल घर पहुँच जाता है और अपनी लेट फियांसे सैरा को याद करने लगता है। असल में सैरा 6 और लोगों के साथ कार क्रैश में मारी गई थी। इसके बाद बेन अपने घर को पूरी तरह से क्लीन करके परमानेंटली मोटर रूम शिफ्ट हो जाता है, मगर बेन अपनी जेलीफिश और उसके टैंक को भी अपने साथ ले आया है। इसके बाद बेन का दोस्त उससे मिलने आता है और वो बेन को कंसेंट फॉर्म देता है। असल में बेन अपनी किडनी को डोनेट करने वाला है। बेन के साइन करते ही उसका दोस्त बोलता है कि हमारी जवानी के दिन में मैं तुमसे काफी जेलस फील किया करता था, मगर जो भी हो मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। ये आदमी रोते हुए बोलता है कि तुम जो ये करने वाले हो वो आसान काम नहीं है। इसके बाद बेन हॉली नाम की एक लेडी से मिलता है जो कि चाइल्ड एंड फैमिली सर्विस वर्कर है। बेन हॉली से पूछता है कि क्या किसी को हेल्प चाहिए, तो हॉली उसे कोनी नाम की लेडी की इन्फॉर्मेशन दे देती है। हॉली बताती है कि कोनी यहाँ पर एक इमिग्रेंट है, मगर उसका हस्बैंड काफी एब्यूजिव है और कुछ दिन पहले ही उसने कोनी की पसलियां तोड़ दी थीं, और बेचारी कोनी तो पुलिस में रिपोर्ट करने से भी डरती है। इसके बाद बेन कोनी के घर पे नजर रखने लगता है और फिर वो कोनी से मिलने जाता है और खुद को एज अ IRS एजेंट इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ हम देखते हैं कि कोनी के 2 प्यारे बच्चे भी हैं। इसके बाद बेन कोनी से बोलता है कि तुम इतना अब्यूज क्यों झेल रही हो, क्यों ना तुम अपने हस्बैंड के खिलाफ लीगल एक्शन लो। मगर ऐसा सुनते ही कोनी उसे घर से निकल जाने को बोलती है, मगर फिर भी बेन उसे अपना विजिटिंग कार्ड देकर यहाँ से निकल जाता है। मगर तभी बेन को उसके भाई का कॉल आता है जो बेन पर खूब गुस्सा कर रहा होता है, तो बेन ये कहकर फोन काट देता है कि हम लोग 1 हफ्ते बाद बात करेंगे। इसके बाद बेन उस जूनियर हॉकी कोच से मिलने जाता है जिसे किडनी प्रॉब्लम है, और यहाँ हमें पता चलता है कि बेन कोच को अपनी किडनी डोनेट करने जा रहा है, जिसके लिए कोच बेन का काफी शुक्रगुजार है। मगर कोच भावुक होकर पूछता है कि बेन तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो, मगर बेन सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम इसके हकदार हो। असल में ये कोच जरूरतमंद बच्चों की हेल्प किया करता था। अगले दिन जब एमिली ड्यूक को घुमा के ला रही होती है तब उसे चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर के बेहोश हो जाती है, और इसी समय बेन उस ब्लाइंड सेल्समैन पर नजर रखता है और वो देखता है कि ये आदमी सच में अच्छा है और वो बच्चों को फ्री लेसन भी देता है, और इस आदमी का नाम एजरा है। रात में बेन को एमिली का कॉल आता है, वो बताती है कि आज मैं बेहोश हो गई थी और जब मुझे होश आया तब मैं काफी घबराई हुई थी, तो मैंने तुम्हें कॉल किया है। तो बेन उसकी बातों को सुनता है और काफी सीरियस हो जाता है। इसके बाद बेन उस हॉस्पिटल की तरफ चल देता है जिसमें एमिली फिलहाल एडमिट है, और एमिली के इंसिस्ट करने पर बेन उसे फोन पर ही कहानी सुनाता है जो कि टिम नाम के बच्चे की थी, जो एक दिन बर्ड कॉस्ट्यूम पहनकर पेड़ पे चढ़ गया और उसने उड़ने की कोशिश की। वेल, वो उड़ तो नहीं पाया मगर उसने अपना हाथ जरूर तोड़ लिया। और कहानी सुनते सुनते एमिली तो सो जाती है, और अब तक बेन हॉस्पिटल पहुंच चुका था। अगली सुबह जब एमिली की नींद खुलती है तो वो देखती है कि बेन उसके बेड के पास फैला पड़ा है, तो एमिली बेन को जगाकर उसका शुक्रिया अदा करती है। इसका डॉक्टर यहाँ आकर बताती है कि एमिली तुम्हारा दिल तुम्हारे दिमाग तक ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है और इसलिए तुम बेहोश हो गई थी, और मुझे डर है कि कहीं किसी दिन तुम्हारा दिल बिल्कुल बंद न हो जाए और तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते का समय बचा है। डॉक्टर फिर एमिली को एक पेजर देके बोलती है कि अगर पेजर बीप करे तो समझ लेना कि तुम्हारा हार्ट डोनर मिल गया है, और ये सब जानकर एमिली और बेन दोनों ही बहुत दुखी हैं। इसके बाद बेन एमिली के डॉग ड्यूक को भी अपने मोटर रूम ले आता है क्योंकि उसकी केयर करने के लिए घर पे कोई भी नहीं है। मगर तभी बेन को कोनी का कॉल आता है, वो कहती है
कि मिस्टर बेन प्लीज मुझे हेल्प चाहिए, मेरे हस्बैंड ने मुझे फिर से पीटा है। तो बेन कॉनी तक पहुंच जाता है। इसके बाद बेन कॉनी को एक पेपर देके बोलता है कि अब ये कार स्टार्ट करो और यहाँ से चली जाओ और मेरा यकीन मानो अब तुम्हारा एक्स हस्बैंड तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा और तुम न्यू लाइफ की शुरुआत करो। इसके बाद कॉनी अपने बच्चों को लेकर बेन के बताए पते पर चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रात को जो कागज बेन ने कॉनी को दिया था वो बेन की बीच हाउस की रजिस्ट्री थी, यानी बेन ने अपना ये घर कॉनी के नाम कर दिया है ताकि वो अपने बच्चों के साथ न्यू लाइफ जी सके। और यहाँ पे हमें अंदाजा हो जाता है कि बेन उन लोगों की हेल्प कर रहा है जिन्हें सीरियसली उसकी हेल्प की जरूरत है, और जो लोग बेन की हेल्प डिजर्व करते हैं वही बेन एमिली और उसके डॉग को घुमाने ले जाता है। तो एमिली बेन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, मगर जब एमिली बेन की लव लाइफ के बारे में जानना चाहती थी तो बेन उसे झाड़ देता है, मगर वो ये सब करके काफी शर्मिंदा है तो वो एज अ अपोलॉजी एमिली के गार्डन की घास साफ करने लगता है। तो एमिली बेन की माफी एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उसे अपना स्टूडियो दिखाती है जहाँ वो काम किया करती थी। इसके बाद एमिली बेन को एक मशीन दिखाती है जो कि 1956 का मॉडल है, मगर अब ये मशीन खराब हो चुकी है। इसके बाद एमिली बेन और ड्यूक ओपन फील्ड में मौज मस्ती करने जाते हैं जहाँ पर एमिली बेन को अपने सपने बताती है, मगर अब वो सपने पूरा होना नामुमकिन है क्योंकि जल्द ही एमिली मरने वाली है। रात को बेन चुपके से एमिली के घर पहुंच जाता है और उसकी 1956 वाली मशीन को रिपेयर करने लगता है, और ड्यूक भी ये सब बड़े ध्यान से देख रहा होता है जैसे वो भी ये सब काम सीखना चाहता है, मगर वो बेचारा बोर होके फैल जाता है। इसके बाद बेन मशीन को ठीक करके निकल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेन हॉस्पिटल जाकर एक बच्चे पे काफी समय नजर रखने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो इस बच्चे की हेल्प करेगा। इसके बाद बेन इस बच्चे को अपनी बोन मैरो डोनेट कर देता है, और जब बेन काफी पेन में था तब डॉक्टर बोलता है कि बेन तुम बहुत बहादुर हो जो दूसरों के लिए ये सब कर रहे हो। इसके बाद बेन को एमिली का कॉल आता है जो उसे डिनर पे बुलाती है, तो बेन रेडी होकर एमिली के घर तक पहुंच जाता है जहां पर बेन काफी सरप्राइज्ड है क्योंकि एमिली ने उसके लिए डिनर बनाया है, और जहां तक उसे पता है एमिली ने कई साल से किसी के लिए भी खाना नहीं बनाया है। इसके बाद ये लोग खाने को खूब इंजॉय करते हैं और इवन डिनर के बाद डांस भी करते हैं। इसके बाद बेन एमिली से बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। एमिली अपने स्टूडियो में जाकर देखती है कि उसकी 1956 मॉडल वाली मशीन सही हो चुकी है, तो एमिली बेन को पैशनेटली किस करती है, मगर तभी बेन को याद आता है कि जो गिफ्ट वो एमिली के लिए लाया था वो तो कार में ही रह गया है। मगर जब बेन कार तक पहुंचता है तब तक वहां पर बेन का भाई आ चुका था जो बेन पर काफी गुस्सा करता है, और यहां पर हमें पता चलता है कि जिसे हम अब तक बेन थॉमस समझ रहे थे उसका रियल नेम तो टिम थॉमस है और वो आईआरएस एजेंट नहीं है। असल में रियल आईआरएस एजेंट तो बेन थॉमस है जो कि टिम थॉमस का भाई है, और टिम ने बेन के आईडी वगैरह चुरा लिए थे। तो गाइस हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम टिम थॉमस है। टिम अपने भाई से बोलता है कि तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इसके बाद बेन अंदर जाकर एमिली को सच बताना चाहता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, मगर ये बात एमिली पहले से ही जानती है, और फिर ये लोग रोमांटिक होने लगते हैं और फिर दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसके बाद टिम हॉस्पिटल जाकर एमिली के डॉक्टर से मिलता है और पूछता है कि एमिली को हार्ट डिजीज है ना, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि एमिली को मैचिंग हार्ट डोनर मिल जाएगा। तो डॉक्टर बोलती है कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो टिम अपने फ्रेंड डैन को कॉल करके बताता है कि प्लान को फॉलो करने का टाइम आ गया है, और ये सुनते ही डैन रोने लगता है क्योंकि उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद टिम अपने मोटर रूम लौटकर एजरा को कॉल करता है और कहता है कि एजरा तुम्हें शायद याद न हो, मगर कुछ हफ्ते पहले मैंने तुम्हें कॉल किया था एंड आई एम सॉरी, मैंने तुमसे बदतमीजी से बात की थी, मगर मुझे पता लगाना था कि तुम सच्चे और अच्छे इंसान हो या नहीं, और तुम्हें मेरा दोस्त डैन कॉन्टेक्ट करेगा और तुम उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, और मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट छोड़ा है। इसके बाद टिम बाथटब को बर्फ से भर देता है और फिर 911 पे कॉल करके बताता है कि वो सुसाइड करने वाला है। इसके बाद टिम को 2 साल पुराना सीन याद आ जाता है जब वो अपने फियांसे सैरा के साथ ड्राइव पे जा रहा था, मगर तभी उसे एक मैसेज आता है जिसका वो रिप्लाई करने लगता है और उसका ध्यान रोड से हट जाता है जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और इस एक्सीडेंट में दूसरी कार में मौजूद 6 लोग और टिम की कार में मौजूद सैरा को मिला के 7 लोग मारे जाते हैं, मगर टिम इस एक्सीडेंट में बच जाता है और वो इन 7 मौतों का जिम्मेदार खुद को मानता है और वो अपने पास्ट सिंस को एटोन करना चाहता है। इसके बाद टिम अपने बाथटब में बैठ जाता है
और फिर वो अपनी जेलीफिश को भी बाथटब में डाल देता है क्योंकि वो अपनी प्यारी जेलीफिश के डंक से ही मरना चाहता है। और जल्द ही उसकी जेलीफिश उसे डंक मार देती है और थोड़ी ही देर में टिम मारा जाता है। असल में इस तरह की मौत टिम ने अपने बॉडी ऑर्गन्स को प्रिजर्व करने के लिए चूज की थी। इसके बाद टिम की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इसी समय एमिली के पेजर पे बीप होती है, यानी हॉस्पिटल एमिली को अलर्ट कर रहा है कि उसे हर्ट डोनर मिल चुका है। तो एमिली खुशी से हर्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए चली जाती है, इस बात से बेखबर कि जो आदमी उसे हर्ट दे रहा है वो उसी का न्यू लवर टिम थॉमस है। खैर, उसे अभी तक ये भी पता नहीं है कि टिम का नाम बेन नहीं है। इसके बाद टिम के ऑर्गन्स उसके प्लान के हिसाब से ट्रांसप्लांट होना चालू हो जाते हैं और फिर इसके बाद एमिली की हालत जल्द ही ठीक होने लगती है। और इसी समय टिम का दोस्त डैन बहुत दुखी है और वो बहुत जोर से रो रहा है। और यही हाल टिम के भाई बेन थॉमस का भी है और वो भी बहुत दुखी है क्योंकि उसे भी सच पता चल गया है कि उसका भाई एक तरह से अपने पास्ट एक्सीडेंट के लिए अटोन कर रहा था। टिम से 7 लोग मारे गए थे तो टिम ने अपने ऑर्गन्स डोनेट करके 7 लोगों को बचाना चाहता था और इस सबको टिम काफी समय से प्लान कर रहा था। हम देखते हैं कि टिम ने एमिली, एजरा और ऐसे ही कई लोगों के लिए लेटर्स छोड़े हैं। इसके बाद बेन एमिली से मिलने जाता है जो कि अब ठीक ठाक हो चुकी है। बेन उसे बताता है कि मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था और चेक कराने पे मुझे पता चला कि मुझे लंग कैंसर है और मुझे ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत थी और तब टिम ने मुझे अपना ऑर्गन दे दिया और आगे का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था। उसके 6 महीने बाद हॉली नाम की चाइल्ड केयर सर्विस वर्कर को अपना लीवर डोनेट कर दिया था। और ये सब जानकर एमिली बहुत दुखी है कि उसे न्यू लाइफ तो मिल गई मगर उसे न्यू लाइफ देने वाला उससे छिन गया जो कि उसका प्यार था। इसके बाद एमिली एक कंसर्ट में जाती है जहाँ पर एजरा पियानो बजा रहा था मगर अब एजरा ब्लाइंड नहीं है, यानी एजरा को टिम की आईज डोनेट हो चुकी हैं और अब वो स्कूल टीचर बन चुका है। इसके बाद एमिली एजरा से मिलती है तो एजरा उसे देखकर पहचान लेता है क्योंकि एमिली एजरा की आंखों को देखकर रोने लगती है। वेल, वो टिम की आंखों को देख के रो रही है तो तसल्ली देने के लिए एजरा उसे गले से लगा लेता है। गाइस, वैसे तो ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे मगर इन दोनों के अंदर टिम का थोड़ा सा अंश था जिसने एक दूसरे को पहचान लिया। और इसी सीन के साथ ये प्यारी सी मूवी एंड हो जाती है। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।